अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इकरा इंतहाई दोगली लड़की है, ऊपर से रूही को मुबारकबाद और दिल में जहर रखने वाली, और ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। और इस वक्त जब वलीद रूही पर शक कर रहा है और रूही उसे आज भी सच बताने की बजाय मुंह बंद किए बस रो रही है, ये सच्चाई अगर रूही उसे तभी बता देती जब शफीक ने उसके साथ गलत किया था। वलीद इस वक्त उसकी हालत देखकर आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेता है, लेकिन आज अगर रूही मरकर भी दिखा दे तो वलीद उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। जिस बच्ची को आज तक सीने से लगा कर रखा, जिस बच्ची के आंसू तक वलीद से बर्दाश्त नहीं होते थे, आज उसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मासूम और अनजान है, लेकिन वलीद के साथ रूही उसे भी सजा देगा और उसका मासूम जहन समझ ही नहीं पाएगा कि उसके इतने प्यार करने वाले बाबा उससे दूर क्यों हो गए। वलीद अपने कमरे से तकबीर की हर चीज़ उठाकर रूही के कमरे में लाकर फेंक देता है और उसे धमकी देता है कि आज के बाद यह बच्ची उसका सामान मेरे इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा फ़ैसला तो मैं बहुत जल्द करूंगा तुम्हारे भाई को घर पर बुलाकर। अगर भाई का एतबार उठ गया बहन से तो वो कहीं की नहीं रहेगी। जिसने ये गुनाह किया वो अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी और मुतमईन होकर गुजार रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ऊपर से आकर रूही से कहता है कि ये बात तो सामने आ चुकी है कि वलीद कभी बाप नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकती कि तकबीर मेरी बेटी है। रूही उसे कहती है कि अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना, वो सिर्फ मेरी बेटी है। क्या वलीद अपनी बेटी को अपनाएगा या फिर उसे भी घर से बाहर निकाल देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।